जिसने मांगी सबकी खैर, वक्त ने क्यों किया उससे बैर। इसी टैगलाइन के साथ आ रहा है जी टीवी का नया शो एक कुड़ी पंजाबी। ये शो पिछले काफी वक्त से चर्चा में है। अब तक शो के टाइटल से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शो की कहानी में पंजाब की एक लड़की की कहानी होगी, खेत होंगे, पंजाब की मिट्टी होगी और एक सिंपल सी लव स्टोरी होगी। लेकिन भाई प्रोमो तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन से अलग निकला। प्रोमो तो गदर है गदर। प्रोमो में ऐसी तीन जबरदस्त बातें दिखी हैं जो एक पल के लिए ही सही लेकिन आपके रोंगटे तो खड़े कर देंगे। बताते हैं इन तीन दमदार बातों के बारे में। पहली दमदार बात, कहानी। प्रोमो में जो पहली और धांसू बात है वो है शो की अलग कहानी, जिसने अपनी पहली झलक से लोगों के बीच में एक नई और गजब की एक्साइटमेंट जगा दी है इस शो को लेकर। सामने इस प्रोमो में एक लड़की है जो कि है एक्ट्रेस तनिषा मेहता, जो गुरुद्वारे में सेवा करती है, सबकी भलाई चाहती है, गुरु की सेवादार है, लोगों को लंगर छकाती है, अरदास करती है। लेकिन अगले ही पल उसी लड़की के हाथ में दिखती है बंदूक। ऐसा लगता है मानो जैसे उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को मार दिया, जिसके बाद परिवार वाले उसके खिलाफ है। बड़े घराने की लड़की है, बड़े घराने की बात है, इसीलिए अब इस लड़की के परिवार वाले ही उसके खिलाफ है। उसी के अपने इस बड़े राज को छिपाने के लिए इस मासूम को मार देना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ इस लड़की के हाथों, क्यों उसने किसी की जान ली, कैसे वो खुद की बेगुनाही साबित करेगी, ये ही कहानी आप इस शो में देखेंगे। दूसरी बात, रियल लोकेशंस की झलक जस्ट अमेजिंग। प्रोमो में जो बेहतरीन बात नजर आई वो है बेहद सुंदर और दिल को छू लेने वाली शानदार लोकेशंस। गुरुद्वारे के अंदर का नजारा हो, लंगर घर के बाहर की लोकेशन हो या फिर बड़ी हवेली और खेतों की बात हो, मेकर्स ने पहले ही झलक में दिखा दिया कि शो का पंजाबी बैकड्रॉप पर बेस्ड होना बस ये कहने की बात नहीं, बल्कि हर एक पल हर एक सीन में जनता को एहसास भी करवाया जाएगा रियल लोकेशंस के जरिए। इसी के साथ ठेठ पंजाबी गुरु गोविंद सिंह जी के कहे बोल को जिस एनर्जी के साथ कहा गया है, उफ, आपके रोंगटे तो खड़े ही हो जाएंगे। साफ है कि आपको शो में बेहद शानदार डायलॉग्स भी दिखेंगे जो आपको घर बैठे बैठे पूरे पंजाब की सैर करवा देगा। तीसरी बात, अविनाश का धांसू सिखवतार आ जाएगी सनी पाजी प्यार। ये पहली बार नहीं है जब अविनाश रेखी को एक सिख के अवतार में लोगों ने देखा। छोटी सरदारनी में पहले ही वो अपने सिख अंदाज से लोगों के दिल को जीत चुके हैं, लेकिन इस बार इस नए शो में अविनाश के लुक को देख आपकी बॉडी में अलग ही एनर्जी दौड़ पड़ेगी। उनके किरदार की पॉजिटिविटी से आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और अगर ये कहा जाए कि उनकी आंखों में उतरा खून गदर के सनी पांच की याद दिला देगी तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। अविनाश की बॉडी लैंग्वेज, उनका लुक, उनकी आंखों में दिखा एग्रेशन कमाल है कमाल। अविनाश का इस शो में आना वाकई ऐसा लगता है जैसे इस रोल को कोई और निभा ही नहीं सकता था। वेल, ये शो जल्द ही जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है, लेकिन आप ये जरूर बताइएगा कि आपको शो का ये प्रोमो कितना पसंद आया।